नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। ऋषिकेश में राम झूला पुल पर आवाजाही बंद कर दी है। ऋषिकेश में पर्यटकों के लिए अच्छी खबर नहीं है, आकर्षण का केंद्र राम झूला पुल आवाजाही के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ। वहीं ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है। गंगा की तेज धारा लोगों को डरा रही है। गंगा नदी के पानी से तटीय इलाके में भूकटाव की समस्या पैदा हो गई है। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति एक बार फिर पानी में समाने लगी है। गुरुवार को राम झूला पुल आवाजाही के लिए बंद करने का फैसला लिया गया था। भारी बारिश की वजह से मुनि किरेती क्षेत्र में राम झूला पुल की नींव के निकट एक दरार आ गई है। नदी के बढ़ते जलस्तर और भूकटाव की वजह से टिहरी वाले छोर पर पुल का पुस्ता क्षतिग्रस्त हो चुका है। प्रशासन की ओर से सावधानी बरतते हुए पुल पर आवाजाही अगले आदेश तक रोक दी गई है। पुल के नीचे हो रहे कटाव को देखते हुए लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर बुलाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भीषण बरसात से प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। राज्य को हुए नुकसान का आकलन भी दोस्तों किया जा रहा है। आपदा विभाग से लेकर एनडीआरएफ एसडीआरएफ पूरी तरीके से मुस्तैद है। ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि लक्ष्मण झूला की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने के चलते दोस्तों राम झूला पर आवाजाही भी रोक दी गई है। बहुत ही बड़ी खबर आपको बता दें, इस समय 2 राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा भयानक तबाही मच रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग अब तक दोस्तों 171 लोगों की मौत 3 दिन के भीतर हुई है। इसके अलावा दोस्तों लगभग 800 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। साथ ही 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान यहां पर हुआ है। लगातार भारी भयंकर भूस्खलन हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश से लगातार दोस्तों पानी आगे छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते पंजाब के 8 जिले डूबे हुए हैं। पंजाब के अंदर 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद कर दी है। गुरदासपुर के अंदर सबसे ज्यादा हालात बेकाबू हैं। उधर दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर शिव मंदिर पर दोस्तों भयंकर भूस्खलन के चलते अब तक 15 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। लगभग 8 से 10 लोग अभी भी दबे हुए हैं। यही हाल दोस्तों उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के अंदर भी गंगा नदी अब दोस्तों चेतावनी बिंदु को पार कर गई है, जिसके चलते इन झूलों को बंद कर दिया है, क्योंकि इनमें दोस्तों दरार देखी गई है। और अब दोस्तों बता दें कि दिल्ली के अंदर भी हाई अलर्ट जारी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कुदरत का प्रकोप दोस्तों यहां देखने को मिल रहा है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार भारी भयंकर बारिश के साथ भूस्खलन की घटना सामने आ रही है। आप सभी से विनती है कि ऊंचाई वाले स्थान पर ना जाएं, जर्जर और पुराने घरों के अंदर ना रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। वर्तमान में आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, वहां का वर्तमान मौसम कैसा है कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।